जोश, विकी कौशल का सबसे मशहूर डायलॉग और एक ऐसा डायलॉग जो पूरे देश में मशहूर हो गया। देखिए भाई, मेरा जोश तो है कॉफी या चाय पीकर बढ़ जाता है, आपका जोश विकी कौशल की जो कहानी है ना उसको सुनकर बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। देखिए, विकी कौशल जो हैं मुंबई के मलाड में एक चौल में रहा करते थे, पिता जो है स्टंटमैन थे फिल्मों में, बहुत छोटा सा काम होता है स्टंटमैन का, कोई बहुत बड़े डायरेक्टर नहीं थे, कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं थे, और शुरू से ही विकी को ये दिमाग में डाला गया था कि भाई आपको जो है पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करनी है। विकी कौशल साहब पढ़ाई करते थे, पापा फिल्मों में ज़रूर थे लेकिन घर पर फिल्मों का जिक्र नहीं होता था। पहली बार 10th में जब विकी थे तब वो पहली बार अपने पापा के साथ एक फिल्म के सेट पर गए, फिल्म का नाम था फिजा, हीरो थे ऋतिक रोशन। आपको याद होगा वो वक्त कहो ना प्यार है के बाद ऋतिक रोशन का जबरदस्त क्रेज था, हर कोई उनसे मिलना चाहता था, तो विकी भी मिलना चाहते थे। तो पापा ने कह दिया कि भाई ऋतिक उन्हीं से मिलते हैं जो उनकी फिल्म का स्टेप करके दिखाता है, कहो ना प्यार है का जो सिग्नेचर स्टेप है। तो विकी कौशल ने 3 दिन तक उस स्टेप की रिहर्सल की और फिर जाकर ऋतिक रोशन से मिले। कहीं दिल में फिल्मों के लिए जो मोहब्बत थी ना वो कायम थी। स्टेज शोज किया करते थे स्कूल में, ड्रामा में हिस्सा लेते थे, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया करते थे। खैर, विकी कौशल ने इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस में मुंबई के कॉलेज से इंजीनियरिंग की। कॉलेज की एक ट्रिप पर वो एक बार एक इंडस्ट्री में गए। अब इंडस्ट्री में गए तो उन्होंने देखा कि अरे भाई यहाँ तो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की नौकरी होती है। विकी को लगा कि भाई ये काम तो मेरे बस का नहीं। सोच लिया कि मैं तो भैया भले ही इंजीनियर बन गया लेकिन मैं नौकरी वोकरी जो है वो नहीं करने वाला हूँ। आपको पता है विकी को एक ऑफर लेटर भी मिला और विकी ने क्या किया, उस ऑफर लेटर को फाड़ दिया। क्लियर था कि मुझे नौकरी नहीं करनी। अब फिल्मों में जाना था लेकिन पापा कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे तो थे नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, तो विकी कौशल ने जो है एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में। अब विकी कौशल ने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया तो सोचा कि भाई कोई एक्टिंग वैक्टिंग का भी कोर्स कर लेते हैं। अब इंजीनियरिंग का तो कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि इंजीनियरिंग तो भाई साहब को करनी ही नहीं थी, तो किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया, उसके बाद ऑडिशन दिया। आपको पता है पहली बार ऑडिशन किस फिल्म के लिए दिया था, भाग मिल्खा भाग, नहीं नहीं लीड रोल के लिए नहीं दिया था, छोटे मोटे रोल के लिए दिया था, लेकिन पहले ही ऑडिशन में भाई साहब रिजेक्ट। उसके बाद लव शव ते चिकन खुराना में बहुत छोटा सा उनको रोल मिला, रोल छोटा था लेकिन ठीक है, विकी कौशल को तो लग रहा था कि भाई कुछ भी मिल जाए। उसके बाद बॉम्बे वेलवेट में छोटा सा रोल मिला, वो भी किया। उसके बाद एक फिल्म मिली मसान। अब मसान कैसे मिली उन्हें, विकी कौशल गैंग्स ऑफ वासेपुर के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उसी फिल्म में एक और असिस्टेंट डायरेक्टर थे नीरज घायवान, उनसे विकी की दोस्ती हो गई। अब नीरज घायवान ने जब मसान बनाई तो उन्हें विकी कौशल की याद आई, बोले आओ भैया ऑडिशन दे दो। विकी खुश पहुंच गए ऑडिशन देने। अब इसके लिए विकी को स्विमिंग सीखनी थी, आती तो थी नहीं स्विमिंग पहले से भाई साहब को, तो सोचा कि भाई चलो सीख लेंगे क्या है। 6 फीट 2 इंच के विकी पहुंच गए मुंबई के एक स्विमिंग स्कूल में स्विमिंग सीखने। अब विकी 6 फीट 2 इंच और बाकी के बच्चे जो स्विमिंग सीख रहे थे वो विकी के यहाँ तक आए। सोचिए आज इतने बड़े स्टार हैं विकी कौशल, थोड़े दिन पहले तक बच्चे जो हैं वो भी हड़का दिया करते थे कि चलो ठीक से स्विमिंग करो। खैर उसके बाद स्विमिंग सीखी और फिल्म मसान मिली और मसान उनके लिए टर्निंग पॉइंट रही। अच्छा, कैरेक्टर में विकी जो हैं वो घुस जाना शुरू से ही सीख गए थे, शुरू से ही उनका नेचर था कि जो कैरेक्टर निभाएं उसमें शिद्दत से घुस जाएं। मसान के लिए वाराणसी में कुछ दिन वो बाकायदा रहे। अच्छा, इसी कैरेक्टर में घुसना जो है ना वो एक बार यूनिट के लोगों के लिए जो है भारी पड़ गया। अब विकी कौशल ने फिल्म संजू में संजय दत्त के दोस्त का रोल निभाया था कमली। अब विकी कौशल को एक सीन में जो है ना शराब पीकर एक्टिंग करनी थी। सुबह सुबह 9 बजे विकी कौशल पहुंच गए शराब पीकर सेट पर। अब लोगों को लगा कि भाई अभी नया नया स्टार बना है और देखो सुबह सुबह चढ़ा ली, सुबह सुबह पी के आ गया। लेकिन
फिर जब सबको पता चला कि भाई ये शराब इसलिए पी गई है क्योंकि आज विकी कौशल का परेश रावल के साथ एक सीन है जिसमें उन्हें शराबी की एक्टिंग करनी है, शराब पीकर अपने डायलॉग्स बोलने हैं, तो तब लोगों को लगा कि भाई ये आदमी आमिर खान स्कूल का है, एकदम परफेक्शनिस्ट, कि भाई सीन अगर शराबी का है तो शराब पीकर आ गए। संजू में उनके किरदार की बहुत जबरदस्त तारीफ हुई और उसके बाद उन्हें मिली फिल्म उरी। लेकिन विकी कौशल को भी अंदाजा नहीं होगा कि उरी फिल्म से उनकी लीग जो है वो बदल जाने वाली है। उरी जब रिलीज हुई उस वक्त पूरे देश में बस हर कोई यही पूछ रहा था, हाउज द जोश, हाई सर। अच्छा, आपको पता है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान विकी कौशल जो हैं वो असली सैनिकों से मिले, रात में उनके साथ डिनर विनर किया और जवान सुनाने लगे अपने किस्से कि ऐसा होता है वैसा होता है, करते करते रात के 3:30 बज गए। अब विकी कौशल ने कहा कि भाई अब मैं चलता हूँ, मुझे सोना है। उतने में एक जवान बोला कि ठीक है आप जाके सोइए भाई, हमको तो 5 बजे जो है जॉगिंग के लिए जाना है, रिपोर्टिंग करनी है। विकी कौशल ने देखा कि भाई मैं तो अब जाकर सो जाऊँगा और ये देखिए हमारे जवान 3:30 बजे तक मेरे साथ गप्पे मार रहे थे और अब 5 बजे इन्हें जॉगिंग पे जाना है, रिपोर्टिंग करनी है। उस वक्त विकी कौशल को लगा कि वाकई में हमारे देश के जवानों का जो जोश है वो काफी हाई है। खैर, अब जरा उस धुएं की बात कर लेते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इन दिनों विकी कौशल का नाम जो है ना वो कटरीना कैफ के साथ खूब जुड़ रहा है। अक्सर खबरें आती हैं कि दोनों के बीच कुछ कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, ये तो वो दोनों ही जानते हैं। अली भी विकी कौशल से पूछा भी गया कि आजकल तो आप कैट से जो है डरते नहीं हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप जो है कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि आपको कैट पसंद है। इस पर विकी कौशल जो है कुछ नहीं बोले, डर गए। अब शायद सलमान खान एंगल भी हो सकता है, भाई सलमान खान की दोस्त हैं तो आपको तो पता है कि किसी ने कहा भी था कि सलमान खान की गर्लफ्रेंड पर नज़र डालने की हिम्मत जो है वो कोई कर नहीं सकता, तो हो सकता है ये वजह हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ दिन में दोनों जो हैं चीज़ों को कबूल भी कर लें और हमें एक नई जोड़ी जो है वो मिले। खैर, बरा विकी कौशल अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे और ऐसे ही उनका जोश जो है वो हमेशा हाई रहेगा। ABP News आपको रखे आगे।